दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि घर में आया मेहमान भगवान के बराबर होता है, और भारत भूमि सदा से इस बात का आदर भी करती आई है। आपने महाराजा शिवी की कहानी तो सुनी होगी, जिन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए उसके बराबर का अपना मांस देना स्वीकार कर लिया था। लेकिन आज हम आपको कलयुग के कुछ ऐसे ही राजा महाराजाओं की कहानी बताएंगे, जिनमें शामिल हैं कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, शरण लेने आए बेजुबानों की जान का जिन्होंने हाल ही में सौदा कर दिया है, कंगाली की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान अब पैसा कमाने के लिए नैतिक मूल्यों के साथ भी समझौता करने पर उतरा है, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को अब बेजुबानों का खून बहाने से कोई परहेज नहीं है, सत्ता से बाहर रहते हुए जिन चीजों का इमरान ने विरोध किया था अब वही चीजें कर रहे हैं, पैसों के लालच में उन्होंने पक्षियों के शिकार करने की अनुमति दे दी है। इस वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचनाएं भी हो रही हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में उनके बारे में दो शब्द जरूर कहें। पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन के मुताबिक सरकार में जिस फाइल को पास होने में हफ्तों लग जाते थे, उसी सरकार ने महज 5 दिन में कतर के शेख और उनके परिवार को हुबारा पक्षियों के शिकार की अनुमति दे दी है, जिसे हुबारा बस्टर्ड्स भी कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान के किसी नागरिक को इस पक्षी के शिकार की अनुमति नहीं है। सरकार ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी और उनके परिवार के 14 लोगों को बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में शिकार की अनुमति दे दी है। इसी महीने पाक सरकार ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही परिवार के 2 सदस्यों को भी शिकार की अनुमति दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि पीएम बनने से पहले इमरान ने इन पक्षियों के शिकार का विरोध किया था, लेकिन अब वो सब भूलकर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान में इन पक्षियों के शिकार की अनुमति के लिए परमिट लेना पड़ता है। इस परमिट के लिए प्रति सदस्य $1,00,000 की फीस है, यानी 73.5 भारतीय लाख रुपए के बराबर। इसके अलावा साथ ले जाने के लिए प्रतिबाज $1,000 यानी करीब 73,000 रुपये चुकाने होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कदम से पाक सरकार को करोड़ों रुपए की कमाई होगी। पिछले साल बलूचिस्तान प्रांत को शिकार से करीब 2 अरब रुपए की कमाई हुई थी। इस साल की शुरुआत में खबर आई थी कि ताबुक गवर्निंग प्रिंस फहद बिन सुल्तान ने करीब 2,000 हुबारा पक्षियों का शिकार किया था, मगर उन्होंने परमिट फीस नहीं चुकाई। यही नहीं, वो अपने साथ 60 बाज भी ले गए थे। इसके लिए प्रतिबाज $1,000 चुकाने थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं चुकाए। अब जानते हैं कि यह पक्षी पाकिस्तान में पहुंचता कैसे है। हुबारा पक्षी मध्य एशिया के ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, मगर जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पक्षी पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में शरण ले लेते हैं। शिकार की वजह से इन पक्षियों की आबादी बहुत तेजी से कम होती जा रही है। इसके बावजूद भी सभी संरक्षित पक्षियों की श्रेणी में इन्हें नहीं रखा गया है, मगर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पाकिस्तानी को इसके शिकार की अनुमति नहीं है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या हमें इन बेजुबान जानवरों को शिकार करने की परमिशन देनी चाहिए या नहीं? क्या पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के लोग, और सबसे बड़ी बात जो लोग इनके शिकार करने के लिए आते हैं, 1,000 से 2,000 पक्षियों तक वो मौत की घाट उतार देते हैं, क्या ऐसे लोगों को ऐसे परमिट मिलने चाहिए? इनके बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।